आप देख रहे हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। ऐसे में ये तस्वीरें मैं आपको दिखा पा रहा हूँ 3/11/2021 के तारीख की, यानी दिनांक 3/11/2021 को खैरी बांका मंदिर के मुख्य प्रांगण से, मंदिर के मुख्य द्वार से कुंवारी कन्याओं का लगभग 150 कुंवारी कन्याएं, सैकड़ों से अधिक कुंवारी कन्याओं का कलश शोभा यात्रा यहां से निकाला गया। ये तस्वीरें आप दिख रहा होगा कि क्या शानदार तरीके से यहां पर कुंवारी कन्याओं के कलश शोभा यात्रा का यात्रा किया गया था। अब यहां से जो कलश शोभा यात्रा 3 तारीख को निकाला गया, वो इलाके में क्षेत्रीय मंदिर के क्षेत्रीय इलाके में घुमाया गया। साथ ही पूजा पाठ करके 4 तारीख को जब पूजा का समापन हुआ, तो वीडियो में बने रहे अंत तक और देखिए क्या शानदार समापन हुआ इस पूजा का। स्वागत है पक्की खबर बिहार में। पक्की खबर सच है तो खबर है। ऐसे में एक सच मैं दिखाने जा रहा हूँ आज खैरी बांका से। खैरी बांका के मुख्य मंदिर पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर मनोकामना हनुमान मंदिर के प्रांगण में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। हमारे साथ यहाँ जो भजन करने वाली जो टीम होती है वो यहाँ पर हमारे साथ है। चलिए इनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या इस ऐतिहासिक मंदिर का आज जो पूजा हुआ है उस पर क्या चर्चा करना चाहते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है लोग, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या सुनना है। सर ये बताइए कि इस मंदिर में जो आज पूजा हुआ है, जिसका समापन अभी हुआ है, इसमें क्या सब होता है? ये हम लोग जयंती हर यानी लगभग 12-14 से यानी रखिए कितना 12 से लगभग मना रहे हैं 2008 से। 2008 से हम लोग हनुमान जयंती यानी हनुमान जी का जन्मदिन मनाते हैं और इसे मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस मंदिर का नाम जो है रखा गया है मनोकामना हनुमान मंदिर, इसलिए यहाँ खासकर ये पूरा पूजा को मनाया जाता है। यही खास वजह है। और आप लोगों का जो ये जो टीम है, मैं दिखाना चाहूँगा कैमरा में, ये सारी टीम जो है चारों तरफ से जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे भजन करते हैं। जैसे भजन में खास क्या उद्देश्य होता है? भजन का उद्देश्य होता है कि सही मार्ग के लिए सत्य का मार्ग में किए, सत्य का मार्ग का उच्चारण होता है, यही सब होता है। भजन का जो है मुख्य लाइन को जो एक बार आप बता करके, भजन का मुख्य लाइन चलने का, शांतिपूर्ण माहौल में रहने का एक बड़ा संकेत देता है, संदेश देता है। इसी के साथ डायरेक्ट मंदिर प्रांगण में वैफाई जी चीफ रिपोर्टर पट्टी का। तो सुना आपने कि किस तरह से यहाँ पर जो भक्ति के लिए जो टीम आती है भजन के लिए, उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। अब यहाँ 2008-09 से जो पूजा किया जाता है,
तो इस मंदिर का क्या स्थिति है वो देखिए। ये मंदिर ठीक खैरी बाका चौक पे मुख्य मार्ग मेन रोड के किनारे पे है और ये यहाँ का मुख्य मंदिर है और क्या शानदार तरीके से बनाया गया है। ये मंदिर की मैं तस्वीरें दिखा पा रहा हूँ। मंदिर जो कि मनोकामना हनुमान मंदिर खैरी बाका के नाम से है। ये मंदिर का प्रांगण मुख्य द्वार है जो कि मैं आपको ऊपर लेकर के जा रहा हूँ। ये आप देख पा रहे हैं ये मंदिर का मुख्य द्वार और मैं आ चुका हूँ अंदर और यहाँ से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ मंदिर का जो भी कला है इस पर क्या हुआ कारीगरों के द्वारा वो सब आप देख पा रहे हैं। यहाँ के जो मुख्य पुजारी लोग हैं यहाँ जो भजन की टीम है वो सब आपको दिख रहा है। वीडियो में बने रहे अंत तक और देखते रहिए इस मंदिर का क्या शानदार दृश्य है। इस मंदिर का जो डायरेक्ट तस्वीरें हैं जो लाइव तस्वीरें होती है जो बिल्कुल सच तस्वीरें होती हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस मंदिर के अंदर की ये तस्वीरें हैं जहाँ मेन पूजा का स्थल है। यहाँ से मैं आपको ये तस्वीरें दिखा पा रहा हूँ। अब आपको दिखाता हूँ मंदिर की दूसरी ओर। यहाँ पे लोग आते हैं और हमेशा यहाँ पुजारी रहते हैं और यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा आनंद मिलता है। काफ़ी शानदार तरीके से बनाया गया है इस मंदिर को। खैरी बाका चौक पे ही ये मंदिर स्थित है। कभी भी आप इधर से आएँ और दर्शन करना चाहते हैं तो ज़रूर आकर मनोकामना हनुमान मंदिर में अपने दर्शन कर सकते हैं। ये आज अंतिम दिन कलश सभी रखकर इकट्ठे रखकर यहाँ पर अग्नि पूजा किया जाता है और जो कि आप देख पा रहे हैं सभी कुमारी कन्याएं यहाँ अपना अपना कलश रखे हुई हैं। अब यहाँ से सब लोग पूजा के समापन के बाद अपने अपने कलश को लेकर वापस जाएंगी। वैसे देखिए क्या शानदार तस्वीरें हैं। इस कलश को चारों तरफ से रखकर जब अग्नि पूजा और पूजा के समापन का इंतजार कर रही हैं कुमारी कन्याएं। ये मंदिर का दूसरा साइड है जो कि आपको कितना शानदार दिख रहा है वो भी आपको समझ में आ ही रहा होगा। खैरी बाका मुख्य मार्ग के किनारे ही स्थित ये खैरी बाका का मुख्य मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर, और ये अग्नि पूजा का जो स्थल है वो ये आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको साफ दिखा पा रहा हूँ पक्की खबर के माध्यम से। पक्की खबर की रिपोर्ट के इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा वो बताएं कमेंट करके और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।